सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। बहुत अच्छा होना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि पता नहीं चलता कि लोग आपकी कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। आज का पंचांग 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दोपहर 11:24 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र शाम 4:24 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर 15 अक्टूबर सुबह 5:21 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। आज लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। हिंदू पंचांग के गणना के मुताबिक साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर यानी आज लगेगा। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण आज रात 8:34 से प्रारंभ हो जाएगा, जिसका समापन मध्य रात्रि को 2:25 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण वल्याकार में होगा, जिसमें आसमान में सूर्य एक रिंग यानी अंगूठी के आकार में नजर आएगा, जिस कारण से रिंग ऑफ फायर भी कहा जा सकता है। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, ऐसे में यह ग्रहण उत्तरी अमेरिका साइड इत्यादि जगहों में दिखाई देगा, भारत में नहीं। सूतक काल मान्य होगा कि नहीं, बता दें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सूतक काल की अवधि भिन्न भिन्न होती है। जहां सूर्य ग्रहण की सूतक काल 12 घंटे का होता है, तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे का होता है। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं नजर आएगा, ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा। कुंभ राशि 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार, यह समय अच्छी किस्मत का है। सलाहकार की मदद से कुछ लाभ मिल सकता है। कुछ नई योजनाएं भी शुरू की जा सकती है। योजनाओं पर काम करें, लेकिन सावधान रहें कि आप कैसे पैसे खर्च कर सकते हैं और इससे कितना फायदा है। आपके प्रेम जीवन और यौन संबंधों में उत्तेजना आपके लिए चीजों को रोशन कर देगी। आप में से कुछ लोग दबाव और उम्मीदों के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं। इसके लिए दूसरों की मदद लें, आराम करें, तनाव से बचें और इस तरह से आप अपने आप को जीवन के सुखों में शामिल कर सकते हैं। कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बताने वाला है। आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति लेनी है। अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें। आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ेगा, इसलिए आपको सोच समझकर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा। दूसरों की आलोचना में समय खराब ना करें, क्योंकि इसका बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज अब भाग्य अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज अब भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगी। पारिवारिक तनाव को अपनी एकाग्रता भंग न करने दें, बुरा दौर ज्यादा सिखाता है। उदासी के भंवर में खुद को खोकर वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि जिंदगी के सबक को जानने और सीखने की कोशिश की जाए। आपका प्रिय दिन भर आपको याद करने में समय बिताएगा। अगर आप अपने काम पर ध्यान दे तो कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। आज आप अपने जीवन साथी के साथ आज समय गुजारेंगे, लेकिन किसी पुरानी बात के फिर से सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी होने की आशंका है। वैवाहिक जीवन में स्नेह को दिखलाने का अपना महत्व है और इस चीज का अनुभव आज आप करेंगे। परिवार के लोगों की जिम्मेदारी आप पर बनी रहेगी। आपको सतर्कता दिखानी होगी, दुष्टों का पक्ष समझें और उनकी गलतियों को माफ करके आगे बढ़ें। रिश्तों में गुस्सा ना करें, गुस्सा करके आप खुद के लिए परेशानी या तकलीफ बढ़ाएंगे।
परिवार के किसी व्यक्ति के साथ मिलकर काम की शुरुआत कर पाएंगी। पार्टनर की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर के सामने अपनी बातें रखना सीखें, तभी लोगों को भी एक दूसरे को समझ पाएंगे, तभी दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। दिन की शुरुआत किसी शुभ कार्य से भी होगी और आपका कोई खास मकसद भी आज हल हो जाएगा, जिससे आप अपने आप को हल्का फुल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। घर की व्यवस्था तथा साफ सफाई संबंधित कार्यों में भी आपका सहयोग रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक माहौल सुखद व खुशनुमा रहेगा। लव पार्टनर को कोई उपहार देना भावनात्मक खुशी प्रदान करेगा। प्रियजनों को आज आपकी आवश्यकता है। चाहत व यौन संबंधों में उत्तेजना और जिंदादिली जीवन को स्पाइसी बनाती है और इससे आप खुद को अपने साथी के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। यह प्रोग्राम बन सकता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप पूरे मन से उसे प्यार करते हैं और कुछ बुरा होगा तो उसे भी सहन कर लेंगे। आप जिस तरीके से रोमांटिक महसूस कर रहे हैं उससे खुद आपको भी अचरज होगा। आज तो संभावना यह है कि आप ऐसे बोल्ड तरीके से व्यवहार करेंगे जैसे आप सामान्य तौर पर कभी नहीं करते। इससे सभी को अचरज होगा। आपके पार्टनर भी चौंक तो जाएंगे लेकिन खुश होंगे। तभी रोमांटिक सैर पर जाकर एक साथ समय बिताकर इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। बात करते हैं करियर की। आज ये बहुत महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। नए अवसर आपके कार्य क्षेत्र में खुलेंगे और आप उनका लाभ लेने के लिए उत्सुक होंगे। ध्यान रखें कि आपकी उत्सुकता आपके सहयोगियों के बीच ईर्ष्या का कारण ना बने, इसलिए सावधान रहें। आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि अपनी परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित बल्कि अपनी सहकर्मियों का समर्थन हासिल करना भी बहुत आवश्यक है। मन प्रसन्न आज रह सकते हैं। परिवार के साथ भी समय व्यतीत करेंगे। यात्रा का लुत्फ तो उठाएं। कामकाज में मुनाफा होगा। आज आपके अच्छे लोगों से संपर्क स्थापित होंगे जो आपके कार्य में सफलता दिलाएंगे। अपनी शक्ति और कमजोरी को जानें और कमजोरियों को सुधारने की दिशा में प्रयोग करें। आपका सकारात्मक और कभी ना हार मानने वाला रवैया आपकी पहचान है, जिससे लोगों के बीच आप प्रसिद्ध हैं। आज आप अपने प्रेम संबंध को लेकर उत्तेजित और प्रसन्न हैं। उम्मीद और समय सीमा की चिंता भी आपको परेशान कर रही है, लेकिन ऐसे में दूसरों से मदद लेने से पीछे ना हटें। समस्याएं आज हल होगी जिससे आपको राहत मिलेगी। अगर आप बदलाव की लहरों पर सवारी नहीं करते हैं तो आप अन्य लोगों से पीछे रह जाएंगी। व्यवसायिक दृष्टि से ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। आप फोन द्वारा अपनी पार्टियों के साथ संपर्क में अवश्य रहें। आपको महत्वपूर्ण ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी पेशे व्यक्तियों पर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आने से अत्यधिक व्यस्तता बनी रहेगी। तरक्की भी संभव है। बात करते हैं सेहत की। बैठने की गलत मुद्रा के कारण आपको आज गर्दन तथा कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। बैठने के दौरान अपनी मुद्रा का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए एक कुशन भी रख सकते हैं। आज आपकी ऊर्जा जरा कम ही है, इससे घर तथा ऑफिस में आपका काम प्रभावित होगा। आज आप अपने दैनिक कार्य में फिटनेस संबंधित कोई काम शामिल करना चाहते हैं। आज का उपाय। आज आप शनि भगवान जी को तेल चढ़ाएं और पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।